आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं पेट संबंधी रोगों के विशेषज्ञ लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। आप हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भदवर वाराणसी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं डॉक्टर साहब, देखते हैं पहला फोन किस श्रोता का है। जी हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। मंचन प्रजापति, गाजीपुर जिले से। सुरुपुर। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं कहना चाहती हूँ सर कि हमारी मम्मी जो है जी, उनके पेट में जैसे हमेशा दर्द रहता है जी, और बीमारी कोई नहीं है। ये पेट में दर्द उनको कहाँ पर होता है, ऊपरी भाग में होता है कि नाभि के नीचे होता है? खाना खाने के बाद होता है कि खाली पेट होता है? जैसे खाना खाती है तभी भी दर्द करता है, खाली पेट करती है तभी भी दर्द जी करता है। गैस अधिक बनती है? डॉक्टर कह रहे थे कि ये तो शिकायत हो सकती है गैस की। अच्छा, ये पेट में बराबर दर्द होता है। हाँ उसी से। अच्छा, तभी भी दर्द पेट में रहता है। हाँ, अब आप नहीं खाती है तभी भी कहते हैं दर्द करते। इनको गैस बनती है, खट्टी डकार वगैरह आती है? क्या सर, तो आप एक काम कीजिए, उनको लेकर आइए, हम की एंडोस्कोपी पहले करेंगे। एंडोस्कोपी से ये पता लगता है कि पेट के अंदर क्या बीमारी है, पेट में छाले हैं, इन्फेक्शन है, या जो भी उसका कारण है उसको हम लोग पहले पकड़ते हैं, उस बीमारी को सही तरीके से इलाज कर सकते हैं। और ये बीमारी अल्ट्रासाउंड से जल्दी पकड़ में आपको नहीं आएगी, और ऊपरी भाग से आपको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है। अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा? अल्ट्रासाउंड नहीं, एंडोस्कोपी। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बोल रहा हूँ मैं पद्मा जी, मऊनाथ भंजन जीटी से पीएन गुप्ता जो है। गुप्ता साहब, हमारे साथ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी हैं, इंडोस्कोपी के और लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट से जुड़े रोगों के। तो संक्षेप में अपना प्रश्न रखें। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? डॉक्टर थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था, एक बार हमें हो गया था कोलन में स्ट्रिक्चर हो गया था। हाँ हाँ, उसमें डॉक्टर साहब वही ऑपरेशन हुआ जो है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय थोड़ा सा वही है, कॉन्स्टिपेशन और थोड़ा सा आ रहता है। अच्छा, सब जो है तो मैं एक बार गया था डॉक्टर साहब का, तो उन्होंने वही दिया था, खाली पेट भोजन के पहले और भोजन के बाद सिरप जो है, और रात के सोते समय सब गोल की भूसी टाइप का दवा थी। तो क्या वही बराबर लेते रहे हम जो है? ये ऑपरेशन आपका कितने साल पहले हुआ था? ये 2010 में डॉक्टर साहब हुआ था। और ये समस्या आपको कब से आ रही है? अभी ये तो थोड़ा कब्जियत वाली समय जो है है, मूवमेंट वगैरह भी कम है, उपाता अक्सर घर पे ही जो है। हाँ। तो जरा से कब्ज वगैरह बिल्कुल निर्मूल डॉक्टर साहब हो जाए, कुछ इस तरह का उपाय बताएं जो जी है। आपको लैटिन में खून आता है कभी? नहीं, ब्लड वर्क तो नहीं आता डॉक्टर साहब, स्टूल थोड़ा सा वही हार्ड होता है। हाँ, स्टूल हार्ड होता है। देखिए, आपको 10 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तो आपको इस वक्त एक बार एक जांच की जरूरत है, जिसको हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, क्योंकि बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ था। हमको ये देखना है कि जिस कारण से, जो भी कारण से आपको स्ट्रिक्चर हुआ था, जो भी ऑपरेशन हुआ था, कहीं वो दोबारा तो नहीं है कुछ। तो एक आध बार डॉक्टर फिर जांच करा लें। हाँ, इसका जांच करा लें, इसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। कोलोनोस्कोपी जांच भी करा लीजिए, और साथ में एक पेट की उसकी जो आपको दवाई बताई गई है वो आप अब इसको लेते रहें। लेकिन कोलोनोस्कोपी से ये पता लग जाएगा कि आपकी बड़ी आंत में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और उसका सही तरीके से उपचार हो सकेगा। हाँ, और पानी अधिक पिए। पानी कम वही है, मल एक बार में साफ नहीं हो पाता है, और थोड़ा सा वही है। हाँ। नस खुजली वगैरह रहती है, मल के साफ न होने से थोड़ा सा आलस बना रहता है। जी ठीक है, धन्यवाद। तो जो दवा डॉक्टर साहब दी है वही तब तक लेते रहे, एक बार दिखा ले। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ नाम बताइए कौन। हाँ मैं राम नरेश प्रजापति, ग्राम बिंदा, पोस्ट सुरही, जिला वाराणसी से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। हाँ नमस्ते, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। प्रॉब्लम यही है कि पेट बराबर खराब रहता है। अच्छा, इसीलिए जानकारी चाहते हैं कि हम लोग कैसे खान पान करें और क्या करें कि पेट हमेशा सही रहे। पेट खराब का क्या अर्थ है आपका, मतलब गैस बनता है कि भूख कम लगती है, उल्टी लगती है, क्या समस्या है? नहीं, भूख तो लगती है जी। गैस अधिक बनती है? नहीं, गैस नहीं बनती है। आपको क्या अधिक बार? हाँ, शौच हम दो बार तीन बार कभी कभी जाते हैं। तो पेट एक बार में खाली नहीं होता आपको? नहीं। लैट्रिन के संग कभी खून आता है? नहीं नहीं, ये सब नहीं होता। कोई और समस्या नहीं होती है? नहीं नहीं। तो दिन भर में आप पानी कितना पीते हैं? पानी तो 2-3 लीटर पी लेते हैं। ठीक है, साथ में कोई गुटखा या कुछ और है? नहीं, जैसे नहीं, कि कोई नशा नहीं। कोई नशा नहीं करते, अच्छी बात है। पहली बात तो खाने में आप पानी को और अधिक बढ़ाइए, इस वक्त गर्मी का समय चल रहा है, कम से कम 4-5 लीटर पानी आपको रोज लेना चाहिए जी। खाने में दही का सेवन रोज करें।
ये आपकी बड़ी आंत के लिए बहुत फायदा होगा। अच्छा, खट्टी चीज जैसे कि नींबू है या कोई भी जैसे संतरा मौसमी, इन चीजों को कम लें। अच्छा, और खाने को हर थोड़े थोड़े घंटे पे अगर खाते रहेंगे तो बेहतर रहेगा, बहुत लंबे समय गैप पे मत खाइए। जी, मेरा मतलब अर्थ ये है कि अगर आप सुबह नाश्ता कर ले और फिर 1 बजे 2 बजे अगर खाना खाते हैं तो ये 5-6 घंटा पेट आपका खाली रहता है, ये भी एक नुकसान करता है। जी, बीच बीच में कुछ टाइम पे खा, हाँ, जैसे कि कोई भी फल जो आप खा सकते हैं खा लीजिए, कोई भी नमकीन तली हुई चीज, अधिक मिर्चे वाली चीज, इन सबको जरा सी अवॉइड करके रखिए। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज है अधिक पानी, जो शरीर को आपको हाइड्रेशन बना के रखेगी, और दूसरा आपको खाने में दही जरूर खाना चाहिए, जो बड़ी आंत और के लिए बहुत फायदा करेगी। दही, अगर दही आपको, अगर आप दही ना, अगर आपको थोड़ा कभी कुछ लोगों को रहता है नुकसान करता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आप छाछ का सेवन कर सकते हैं, वो भी आपको काफी फायदा करेगा। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, सादर नमस्कार, शिवपुर से असगर अली बोल रहे हैं। अच्छा असगर अली जी, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी हमारे साथ हैं जी, प्रश्न पूछिए आपका। डॉक्टर सादर नमस्कार। नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको। सबसे समस्या ये बता दीजिए, दोनों स्कोपी और इसमें क्या फर्क है, क्या फर्क है दोनों में? दो स्कोपी आपने बताइए, एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी, क्या फर्क है? लेप्रोस्कोपी जो एंडोस्कोपी होती है, ये दो प्रकार की होती है, इसको हम अपर जीआई एंडोस्कोपी भी बोलते हैं और कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। अपर जीआई एंडोस्कोपी जो होती है वो आपके पेट की, गले की जो नली है जिसको इसोफेगस बोलते हैं, और पेट की और साथ ही साथ पहले जो छोटी आंत के पहले दो हिस्से की जांच करती है, जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, D1 और D2, जिसे पेट में छाले होना, पेट में गांठ होना या इन्फेक्शन होना, इसके बारे में इससे हमको पता लगता है। कोलोनोस्कोपी आपकी लैट्रिन के रास्ते से की जाती है। ये आपकी उन कारणों के लिए किया जाता है जैसे जिनको कभी लैट्रिन में खून आता है या उनको खाना पचता नहीं है, लैट्रिन टाइट होता है, पथरी का स्टोन जो है जी, इसको भी इस सिस्टम से ऑपरेट किया जा सकता है। ये एंडोस्कोपी नहीं, ये लेप्रोस्कोपी होता है, ये दूरबीन द्वारा किया जाता है। दूरबीन द्वारा किया जाता है और हमारे यहाँ रोज ऑपरेशन होता है और बहुत ही आधुनिक दर पे किया जाता है। जी, तो मतलब मेरे बहन को पिट में स्टोन है तो ऑपरेशन से निकल सकता है? जी जी, वो निकल सकता है, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन से वो बिल्कुल निकाला जा सकता है। धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपका फोन लगा है, अपना परिचय दीजिए। साहब हमारा ग्राम नगदिलपुर रेवतीपुर है, जिला गाजीपुर से। अपना नाम बताइए। नाम राधेश्याम सिंह यादव। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी को आप? साहब से नमस्कार है हमारा। जी नमस्ते, बताइए। साहब पेट के बारे में आप बता रहे थे, जैसे गैस बनता है जी, तो इसके लिए भोजन किस तरह से करना चाहिए कि इस तरह का रोग ना हो? जो ये भोजन की समस्या है, इसमें पहली बात तो आपको पानी खूब लेना चाहिए, पेट की जो गैस बनना, गर्मी होना, खाना खाने के बाद पेट का फूलना, कई बार उल्टी जैसा एहसास होना, ये सब गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स की तरफ इशारा करता है। अच्छा, सुबह में जैसे खाली पेट पानी पीना ठीक है कि मतलब कुछ नाश्ते के बाद? नहीं, आप खाली पेट पानी पी सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जी साहब, और शरीर में पानी का सेवन आपका ज्यादा होना चाहिए, कम से कम रोज आज के समय में इस गर्मी में 5 लीटर तो पानी आपको कम से कम रोज पीना चाहिए। जी, कितना लीटर? कम से कम 5 लीटर। 5 लीटर? 5 लीटर जी। और साथ ही साथ खाने में आप ऐसी चीज लें जो पेट को ठंडक पहुंचाए, जैसे कि दही है, छाछ है। जी साहब, अपने पेट को लंबे समय तक खाली मत रखिए, जैसे कि सुबह अगर नाश्ता आप 8-9 बजे कर लेते हैं और दोपहर का खाना 2 बजे खाते हैं, तो इन 5-6 घंटे में कुछ कुछ खाते रहिए, जिससे कि आपका पेट लंबे समय खाली न रहे। जी साहब, और अधिकतर तली हुई चीज, मिर्चा मसाला, इन सब चीजों को अवॉइड करिए। इसको बचाओ, कम से कम खाना जी, कम से कम खाइए, हरी सब्जी फल इन सबों का सेवन करने से आपको आराम रहेगा। ठीक है जी, जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार साहब जी। नमस्ते। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आपको अपना परिचय देना है, कौन बोल रहे हैं? लल्लन यादव बोल रहे हैं। कहाँ से? रत्मा बाजार। अच्छा, पूछिए क्या पूछना है आपको? सिकलसिनिया के लिए कौन से इलाज कराना पड़ता है और सिकलसिनिया किस अंग को प्रभावित करता है? उसको ब्लड, पेशेंट को ब्लड कम हो जा रहा है और प्लेटलेट कम हो जा रहा है। क्या डॉक्टर साहब एक सामान्य जानकारी? अनीमिया देखिए बहुत से कारणों से हो सकता है, कई बार शरीर से खून बहता है आपको पता नहीं लगता है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब मरीज के उम्र के हिसाब से भी ये मैटर करता है कि कारण क्या है। एक बार आप अपने चिकित्सक के पास जाएं, जांच कराएं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप
आपको रक्त कम क्यों हो रहा है आपके शरीर में, ठीक है? आप एक काम करिए, आप अपने मरीज को लेकर आइए, हमारे पास यहाँ पर अच्छी टीम है, हम उसका कारण पता कर लेंगे कि इनका एनीमिया क्यों हो रहा है, उसका कारण पता लग जाएगा, कारण पता लगने से उसका सही इलाज हो जाएगा, ठीक है? धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आपको परिचय देना है अपना। मैं काशी नगरी बनारस से मौसम अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ मौसम जी, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, आपको क्या पूछना है पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है। डॉक्टर साहब हमको एक समस्या होता है जो कभी कभी चलने में और या बैठने में कभी कभी झटके से पेट में ऐसा दर्द होता है कि जो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ये ऐठन जैसा दर्द होता है आपको? जी जी जी। तो इससे आपको जब दर्द होता है तो उल्टी जैसा महसूस होता है? उल्टी जैसा हमको महसूस होता है, जब दर्द होता है ना तो उल्टी के जैसा महसूस होता है, मगर उल्टी आ नहीं पाता। उल्टी आती नहीं है। तो कभी आपने आपके पेशाब में जलन होती है या उसमें लाली रहती है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। ये दर्द सिर्फ दर्द होता है और ये दर्द काफी दिन से है। ये दर्द आपको किस तरफ होता है, दाहिने तरफ बाएं तरफ, कुछ बता पाएंगे? एकदम सर बीच बीच बोलली की तरफ होता है एकदम। ठीक है, इसके लिए आप पहला काम कीजिए, पेट का अल्ट्रासाउंड कराइए। अच्छा सर, उसमें ये आपको देखना है कि हमको कोई पथरी है कि नहीं, गुर्दे में कोई पथरी है कि नहीं। पेट से कोई हमको बीमारी आज तक डॉक्टर साहब हुआ नहीं, मगर यही बीमारी है कि जो कभी कभी पेट में इस तरीके से अचानक दर्द उठना। ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर साहब कि जो हम बेसमय खाना खाते हैं उसके वजह से दिक्कत हो सकता है? वो भी एक कारण बन सकता है, अगर आपका खाना नियमित नहीं है तो ये कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको अचानक दर्द उठता है और आपको उल्टी जैसा महसूस होता है तो इसमें कई बार पथरी होती है गुर्दे में, तो जिसके कारण ये हो सकता है। तो इसका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा? एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए, और उसके बाद अगर आपको गैस की अधिक समस्या है तो उसके लिए आपको एंडोस्कोपी भी करानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। थैंक यू। हेलो सर। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? सर मैं अनवर अली अंसारी बोल रहा हूँ, धामौर। अच्छा, जौनपुर जिला। तो हमारे साथ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी हैं, पेट के रोगों के विशेषज्ञ सर्जन, क्या पूछना है आपको पूछिए। सर हमको से तीन चार मरतबा संदास होता है, या संदास मतलब नहीं होता तो मुंह में छाले आ जाते हैं, मतलब पेट साफ नहीं होता। और ये कितने दिनों से ये प्रॉब्लम आपकी चल रही है? अरे सर ये बहुत दिन से, करीब मैं 10 साल का था जब से ये है, आज मेरी उम्र करीब 46 साल हो गई है। तो कभी जब आपकी लैट्रिन इतना टाइट होता है तो कभी खून आता है लैट्रिन के रास्ते से? नहीं सर खून नहीं आता, और जब संदास ज्यादा होता है तो हमको आराम रहता है। ठीक है, तो क्या काम करते हैं आपको, मतलब खाने पीने का एक नियमित अनुसार है कि खाना पीना का कोई अभी मतलब समय नहीं होता अधिकतर? मतलब खाने का समय है ही है, आज 3 साल से मैं घर पर भी हूँ, पहले भिवंडी में लोन चला रहा था। जी मतलब नियमित समय से खाना खाते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि अनियमित समय है? मैं खाना मैं समय से ही खाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आपको एक काम करना पड़ेगा, आप पानी को सेवन जरा बढ़ाइए, हो सकता है शरीर में पानी की कमी से भी ये कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अच्छा। और साथ में अपना एक बार थायराइड जरूर चेक करवाइए। थायराइड? जी। अच्छा ठीक है, थायराइड। अच्छा सर ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हेलो, पांडुरंग जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, नमस्कार। मैं राजू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ बसनी से। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, पूछिए क्या पूछना है आपको। डॉक्टर नमस्कार जी, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है। मैं पूछना था प्रोस्टेट के ऑपरेशन में क्या प्रोस्टेट को काट के निकाल दिया जाता है? प्रोस्टेट का ऑपरेशन किस संबंध में आप कराना चाहते हैं, मतलब कि आपको पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेशाब की शुरुआत में धार पतली आती है, कारण क्या है? प्रोस्टेट बढ़ा हो तब की बात पूछ रहे हैं। हाँ, उसको हम ऑपरेशन होता है, उसको TURP करते हैं, ऑपरेशन होता है, उसके लिए पहले आप अपना जाँच कराइए, जाँच करा के पहले ये पक्का करिए कि प्रोस्टेट की ही समस्या है, और प्रोस्टेट की समस्या के लिए आपका उसका सही तरीके से ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन में क्या करते हैं, निकाल देते हैं उसको? जी थोड़ा सा उसका हिस्सा कम किया जाता है जो बढ़ गया होता है। अच्छा, जिसके चलते आपको पेशाब करने में अक्सर समस्या होती है, जोर लगाना पड़ता है और पेशाब की धार भी पतली हो जाती है। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। आरोग्यम, मैं मुखराम यादव हुसैनाबाद गाजीपुर से बोल रहा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी हैं, आपको पूछिए क्या पूछना है। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है। सर हमें कांच की परेशानी है, और जो पैखाने के रास्ते से बाहर निकलता है। पैखाने के रास्ते से क्या है, लैट्रिन का आंत बाहर आती है? आंत बाहर आती है, ये कितने दिनों से होता है आपको? तो बहुत पुराना है सर। तो ये क्या मतलब, जब आप लैट्रिन में करते हैं आपको जोर लगाना पड़ता है? अधिक लैट्रिन टाइट होता है, जोर लगाते हैं? जी कोई टाइट नहीं होता है, लेकिन बिना जोर लगाए जो है कि पैखाना नहीं होता है, जब जोर लगाते हैं तो बाहर आता है।
अच्छा, जो हमको समझ में आ रहा है, आप बताना चाह रहे हैं कि आंत बाहर आती है, इसको हम रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, ठीक है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, इसका आपको पहले एक बार हमसे मिलना पड़ेगा, जांच करेंगे, अगर यही आंत का ही समस्या है जो आंत बाहर आ रही है, तो इसको ऑपरेशन द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। सर इसका एक बार हम ऑपरेशन कराए थे जी, गुजरात में हम रहते थे उसमें जी, लेकिन हमको कोई उससे बेनिफिट नहीं मिला। क्या ऑपरेशन हुआ था, कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? वो बोले कि हम इसको धागे से बांध देंगे। ये धागे से बांधे, उन्होंने लैट्रिन के रास्ते से नीचे से धागे से बांधा होगा, इसका पेट खोल करके ऑपरेशन करके इसको रेक्टोपेक्सी करते हैं, रेक्टोपेक्सी इसका बोलते हैं, एब्डोमिनल रेक्टोपेक्सी, उसके बाद ये एक तरीके से परमानेंट सोल्यूशन की तरह आपका इलाज हो जाता है, पेट द्वारा ऑपरेशन किया जाता है जिसको हम रेक्टोपेक्सी बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी, पेट से जुड़े रोग बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह की समस्या से परेशान होते हैं, बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहते हैं, पेट के रोग न हो, एक सामान्य जीवन हम जी सकें, इसके लिए यदि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना हो, खान पान को व्यवस्थित रखना हो, तो हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि पहले तो हमारा खाना पीना एक नियमित अनुसार होना चाहिए जी। खाने पीने में अधिक मिर्चा, मसाला, तेल, इन सब का सेवन कम होना चाहिए, ये हमें नुकसान कराता है। दूसरी बात, पानी, ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, पाचन शक्ति के लिए जी। जो लोग पानी कम पीते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है पाचन की भी, और पेट साफ न होने की भी समस्या से ग्रसित रहते हैं। पेट न साफ होने की वजह से कई बार उनका लैट्रिन स्टूल इतना हार्ड होता है जिसकी वजह से उनको खून भी आ जाता है, तो ये इससे वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो अपना खाना नियमित करें, खाने में पानी का अधिक सेवन करें जी। और कोई भी ऐसी चीज़ न खाएं जिससे कि जिससे तली हुई चीज़ या आजकल जो नमकीन के पैकेट्स वगैरह से लोग पेट भर लेते हैं जी, जी, जी। वो बहुत ही नुकसान करता है, इससे पौष्टिकता नहीं मिलती है, साथ ही साथ शरीर में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है ना, अपना नाम बताइए। जी जी, हमने आरोग्यम मिलाया सर, मैं दीपांशु सिंह बोल रहा हूँ, पांडेपुर छोटा लालपुर मजुटिया से। अच्छा, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ सर कि मेरा हर 4 साल से पेट में, लीवर में थोड़ा सा लीवर में फैटी हो जा रहा है, और उसके बाद टाइफाइड निकल जा रहा है और ब्लड में इन्फेक्शन जी। तो पहली बात, अगर आपको बार बार टाइफाइड हो रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइफाइड हमेशा खाने पीने की गंदगी से और साफ सफाई न रखने की वजह से होता है। आपको अपने खाने पीने को, जहाँ भी आप खाना पीना खाते हैं उसमें आसपास सफाई रखनी पड़ेगी, खाने में पानी में कोई भी अपनी उंगली न डाले और हमेशा हाथ धो करके खाना खाए, अगर सफाई रहेगी तो ये टाइफाइड का इन्फेक्शन आपको बार बार नहीं होगा। साहब जैसे ही ठंडी का समय आता है, जैसे ही नवंबर आता है जी, वैसे ही मैं सिर्फ रात को ही खाना खा पाता हूँ, दिन में मुझे भूख नहीं लगता है सर। अगर ऐसा है तो एक बार आपके मिलिए, हम आपको पहले उसका कारण समझेंगे, फिर उसका आपको सही। ठीक है सर, थैंक यू सर जी। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी, बहुत ही उपयोगी बातें हुई हैं, अब हम आपसे विदा लें, इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक जरूर पहुँचाना चाहेंगे, कौन सा गीत है? मैं चाहता हूँ यहाँ के हम सिकंदर। जहाँ के हम सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर का ये गाना था। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम यही वाला गाना अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, और अब श्रोताओं की ओर से डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी को, जो पेट के रोगों के विशेषज्ञ लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार पांडे, थैंक यू। हे निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के।
कदम चूम के वो सिकंदर ही जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हर हमसे बच के रहना मिलेगा। नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है, बाजी को जीतना हमें आता है। गलियां अपनी ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो घबरा के, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरा, नहीं समझे है वो हमें जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। मतवाली परिया जो है अब्दालत पे कुर्बान, जब भी मंदिर की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हम भी है शहजादे कुर्बान। नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है, बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूमके, धरती डोलेगी ये कदम झूमके, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूमके, धरती डोलेगी ये कदम झूमके। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता,